हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फोर्थ सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है ल्यूमिनस ऑर्गन्स। इसका सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शन डेफिनेशन मीनिंग ऑफ ल्यूमिनस ऑर्गन्स स्ट्रक्चर ऑफ ल्यूमिनस ऑर्गन टाइप्स ऑफ ल्यूमिनस ऑर्गन्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर ल्यूमिसेंस इंट्रा सेल्यूलर ल्यूमिसेंस बैक्टेरियल ल्यूमिसेंस केमिकल ल्यूमिसेंस कंट्रोल ऑफ ल्यूमिनस ऑर्गन्स सिग्निफिकेंस और रिफरेंस। इसका इंट्रोडक्शन से ही कई मछलियाँ स्पेशली मैराइन स्पीसीज अपने स्पेशल ऑर्गन के माध्यम से एक स्पेशल लाइट प्रोड्यूस करती है जिन्हें ल्यूमिनस ऑर्गन कहा जाता है। ये ऑर्गन कॉमनली डीप सी में रहने वाली फिशेज में पाई जाती है। बिकॉज डीप सी में सनलाइट नहीं पहुँचती है, ल्यूमिनस ऑर्गन्स फ्रेश वाटर फिशेज में अब्सेंट होती है। इसकी डेफिनेशन है अ नंबर ऑफ फिशेज स्पेशली मेराइन स्पीसीज आर नाउ द प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक लाइट थ्रू देयर स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड ल्यूमिनस ऑर्गन। थर्ड पॉइंट है मीनिंग ऑफ ल्यूमिनस ऑर्गन्स। गहरे समुद्र में पाई जाने वाली फिशेज में एक स्पेशल ऑर्गन होता है जो लाइट प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी हेल्प से वह दिशा का ज्ञान व अन्य खतरों से स्वयं को प्रोटेक्ट करती हैं, उसे ल्यूमिनस ऑर्गन्स कहते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन समुद्र में आने वाली खतरों से फिशेस को सतर्क करना व साथ में अंधेरे में उन्हें रास्ता दिखाना आदि। ल्यूमिनस ऑर्गन्स या फोटोफोर्स एपिडर्मिस की विशेष ग्लैंड सेल्स हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट स्पीसीज के डिफरेंट बॉडी टाइप व डिफरेंट एडेप्टिव फिशेस में अलग अलग होता है। फोर्थ है स्ट्रक्चर ऑफ ल्यूमिनस ऑर्गन्स। फोटोफोर्स की शारीरिक रचना के आधार पर उन्हें दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट है सिंपल फोटोफोर, वे साइज में स्मॉल अबाउट 0.12-0.34 mm चौड़े होते हैं। इनमें लाइट जनरेटिंग सेल्स होती है जिसे फोटोसाइट्स कहते हैं। सिंपल फोटोफोर पिगमेंट के आवरण के साथ या उसके बिना प्रदान किया जा सकता है। लेंसेस का फॉर्मेशन लेंटिकुलर सेल्स के नाम से जाने जाने वाली सेल्स के ग्रुप से होता है। फोटोसाइट्स का डिस्टल पार्ट एसिडोफिलिक ग्रेन्यूल्स से सजा होता है। मेलेनोफोर्स की एक लेयर फोटोफोर के चारों ओर होती है। शार्क में सिंपल टाइप का फोटोफोर्स प्रेजेंट होता है। सेकेंड, अगला है कंपाउंड फोटोफोर। इस प्रकार के फोटोफोर्स में रिफ्लेक्टोर्स पिगमेंटेड मेंटल एंड सब ऑस्कुलर ऑर्गन जैसी एडिशनल स्ट्रक्चर शामिल होती है। फोटोसाइट्स कोट्स एंड बोन्स के रूप में अरेंज्ड होते हैं। फोटोजेनेटिक टिश्यू पिगमेंट एंड रिफ्लेक्टोर्स लेयर तंत्रिकाओं और ब्लड वेसल्स के साथ पाई जाती हैं। फोटोजेनिक टिश्यू फोटोफोर्स सेंटर में पाए जाते हैं और इसमें दो प्रकार की ग्लैंड कोशिकाएं होती हैं। ये है डायग्राम अ सब ऑस्कुलर लाइट ऑर्गन ऑफ एस्ट्रोनेस्टेस रिचार्डसन। मछलियों में लाइट प्रोडक्शंस का मैकेनिज्म अजीब होता है। यह फोटोसाइट्स के आसपास प्रेजेंट मसल्स की स्पेशल सीट्स के द्वारा होता है। जब ये मसल्स सिकुड़ती हैं तो वे फोटोफोर की आउटर सरफेस को नीचे की ओर खींचती है जिससे चमकीली सरफेस छिप जाती है। इसके विपरीत इन मसल्स के रिफ्लेक्शन से फोटोफोर की चमकीली सरफेस दिखाई देती है। कुछ स्पीसीज में पिगमेंटेड लेयर को मूवमेंट से फोटोफोर से छिपते हैं और दिखाई देते हैं। फिफ्थ पॉइंट है टाइप्स ऑफ ल्यूमिनस ऑर्गन्स। इसमें फर्स्ट है एक्स्ट्रा सेल्यूलर ल्यूमिनेसेंस। एक्स्ट्रा सेल्यूलर ल्यूमिनेसेंस ऑर्गन बहुत ही लिमिटेड फिश की स्पीसीज में पाए जाते हैं। प्रकाश का उत्पन्न ग्लैंडुलर टिश्यू के ल्यूमिनस सिक्रेशंस के कारण होता है। कुछ फिशेज जैसे रेड टेल्स एंड सीसीड्स की कोशिका इस लाइन का सिक्रेशन करके प्रकाश उत्सर्जित करती है। रेड टेल्स में एनस के पास एक स्पेशल ग्लैंड होती है जो कीचड़ का सिक्रेशन करती है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। सेकंड है इंट्रासेल्युलर ल्यूमिनेसेंस। इस प्रकार में लाइट ग्लैंड सेल्स या इंट्रिंसिक
फोटोसाइट्स के भीतर उत्पन्न होता है। ये चमकदार ऑर्गन एपिडर्मिस से डेवलप्ड हुए हैं। इस प्रकार के चमकदार ऑर्गन से अलकृत फिशेस मेनली डिलिटोस्ट के फैमिली से संबंधित थे। ये सारे इसके उदाहरण हैं। थर्ड है बैक्टीरियल ल्यूमिनेसेंस। इस प्रकार में फोटोफोर या चमकदार सेल्स में मौजूद सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रकाश का प्रोडक्शन करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस बैक्टीरिया प्रकाश उत्पन्न करने वाली बैक्टीरिया होते हैं, जो मेनली समुद्र जल सागर के किनारों, सड़ी मछलियों के किनारों पर पाए जाते हैं। बैक्टीरियल ल्यूमिनेसेंस टेरिस्टेरियल एंड फ्रेश वाटर बैक्टीरियल में भी पाए जाते हैं। बैक्टीरिया निमेटोड्स जैसे जीवों के साथ सहजीवी जीवन यापन करते हैं, जिसमें होस्ट एनिमल ऑर्गेनिज्म व बैक्टीरिया को सेफ होम एंड न्यूट्रिशन उपलब्ध कराते हैं। बदले में बैक्टीरिया होस्ट को लाइट प्रोवाइड करते हैं, जिनका यूज कैमोफ्लेज स्प्रे एंड मेट अट्रैक्शंस के लिए करते हैं। अगला है केमिकल ल्यूमिनेसेंस। इसमें ग्रंथि ऊतक या टिश्यू ल्यूसिफेरिन नामक केमिकल सबस्टेंस स्रावित करता है, जो ट्राइप्टामाइन एग्रिन एंड आइसोल्यूसिन से युक्त एक इंडूल डेरिवेटिव एंजाइम ल्यूसिफेरेस के प्रभाव में यह सबस्टेंस ऑक्सी ल्यूसिफेरिन में परिवर्तित हो जाता है एंड ब्लू या ब्लू ग्रीन लाइट उत्पन्न करता है। एपाकोन पेरा पेरिकैंथस को चमकदार ग्लैंड के लिए जाना जाता है, जिसमें ल्यूसिफेरिन एंड ल्यूसिफेरस के बच्चे रूप होते हैं। सिक्स पॉइंट है कंट्रोल ऑफ ल्यूमिनस ऑर्गन। द फंक्शंस ऑफ लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन कंट्रोलेड बाय द नर्वस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस कंट्रोल। कई लोगों ने बताया कि ल्यूमिनस ऑर्गन द्वारा लाइट का प्रोडक्शन का कंट्रोल नर्वस सिस्टम द्वारा किया जाता है। संभवतः यह फंक्शन पेरिफेरियल सिंपैथिक नर्वस सिस्टम द्वारा किया जाता है। नर्वस फागोसाइट्स को संक्रमित करती है, जो इफ्रेंट नर्वस हैं, फोटोजेनिक सेल्स में इंटर करती है तथा उन्हें एक्टिवेट करती है। हार्मोनल कंट्रोल। कुछ विशेष में फोटोफोर्स पर हार्मोनल कंट्रोल होता है। सुप्रारेनल जैसी एंडोक्राइन ग्लैंड इन्हें एक्टिवेट करते हैं। एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन को फोटोफोर्स से लाइट एमिशंस को कंट्रोल करने वाले एंजाइम के रूप में जाना जाता है। मैकेनिकली कंट्रोल। फोटोफोर्स के नीचे मौजूद मसल्स सिकुड़ती है और फोटोफोर्स को इस तरह घुमाती हैं कि वे छिप जाते हैं। इस प्रकार फिश को स्पेशली डेंचर में लाइट के द्वारा सुरक्षित किया जाता है। इस प्रकार का कंट्रोल मैकेनिकल कंट्रोल कहलाता है। सिग्निफिकेंस। दिस इज द यूजफुल द वेरिटी ऑफ द वे इन द फिशेस। ज्यूमिनल्स शुरोडिक्स अस डेफेंसिव डिवाइस अस द वॉर्निंग सिग्नल रिकॉग्निंग ऑन स्पीशीज। इसका रेफरेंस है द नेचर ऑफ एनिमल लाइट बाय हैरी ई न्यूटन।